नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। जब मदरसों में माथे झटके जा रहे थे और इस्लामाबाद एवं लाहौर के चौराहे पर लोग पैमद लगे तैमद लपेट कर तब्दीली गान गाने में मशगूल थे, तब ज्यादातर पाकिस्तानी यही समझते थे कि देश अब उठाऊ चूल्हा नहीं रहेगा। इमरान लोंडा इस पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाकर फिर से किसी मोहम्मद को लाएगा। इसके लिए इमरान ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पूंछ पकड़कर ईमानदारी के ढोल पीटे थे, जिसका प्रसाद उन्हें पाकिस्तान के वजीर आजम के रूप में मिला है। मजे की बात यह है कि अपनी ईमानदारी की सलवार दिखाने के लिए इमरान खान ने एक पूर्व राष्ट्रपति और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों व 12 से ज्यादा विपक्षी नेताओं को करप्शन के नाम पर जेल में डाल दिया। इमरान का प्लान तो देश के 500 भ्रष्टाचारियों को सिखंचों के पीछे डालने का था, मगर जब खुद उनकी पार्टी और बहन अलीमा खान इस मुश्किल में फंस गई तो तेवर भी ढीले हो गए। उसके बाद धीरे धीरे तमाम नेताओं को बाहर किया जाने लगा। लेकिन जरा ठहरिए, इमरान की ईमानदारी की पोल कल एक इंटरनेशनल संस्था ने खोल दी। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में पाकिस्तान में भ्रष्टाचार 3 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 117 से 120 पर आ गया, यानी 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान में पिछले साल ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान सरकार से पूर्ववर्ती सरकारों में यह घटता रहा है, जबकि इस बार तेजी से बढ़ा है। यानी इमरान खान फूस का वह घोड़ा साबित हुए जिस पर बैठकर लोग तैमंद लहराकर चलना चाहते थे, पर इस मामले में अपनी हालत भी काटो नहीं तो खून जैसी है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत भी चीन के साथ 80वीं रैंकिंग पर मौजूद है, जो भारत की मोदी सरकार के लिए जरूर चिंता की बात है। वह भी ऐसे समय जब भारत में अधिकतर लेन देन को डिजिटल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने भ्रष्टाचार के नाम पर पाकिस्तानियों के सामने जो तमाम दावे किए थे वह सब ढकोसला साबित हुए, और तस्वीर अब भी वही पुरानी है, या यूं कहे कि पहले से भी और धुंधली हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे मुनाफाखोरों का एक समूह जिम्मेदार है, जो इमरान सरकार में और ज्यादा मजबूत हुआ है। ऐसे ही कुछ आरोप जुल्फी बुखारी पर भी लगते रहे हैं, जिन्हें इमरान खान का सलाहकार एवं खासम खास समझा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सीपैक को पाकिस्तान अपनी उन्नति का टर्निंग पॉइंट मान रहा है, वह भी भ्रष्टाचार की जद में आ गया है। पाकिस्तान की एक निजी कंपनी के सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल में सीपैक के लिए जारी फंड में जबरदस्त बंदरबांट हुई है, जिसमें पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी पैसा बनाया है। मजे की बात यह है कि आज की घड़ी सीपैक पर जो सस्ते पाकिस्तानी श्रमिक लगाए गए हैं या छोटे मोटे ठेके दिए गए हैं, उन पर इन्हीं तीनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कब्जा है। यानी सीपैक के नाम पर पाकिस्तान के ठेकेदार जमकर पैसा बना रहे हैं, जबकि किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिस हिसाब से फंड जारी हुआ उसके मुकाबले काम हुआ ही नहीं। विशेषज्ञ मान रहे हैं सीपैक की रफ्तार में आई कमी इसकी भी एक बड़ी वजह है, पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान खान के नाम पर जिन मदरसों पर सफेदी पोती गई थी, अब उन पर कालिक पोतने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट आते ही फजलुर रहमान ने फिर से एक बड़े आंदोलन करने की बात कही है। खास बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर इमरान पाक की सत्ता में आए थे, अब उसका बुलबुला फूट चुका है। 2 दिन पहले ही दावोस में इमरान खान ने अपनी सरकार के ईमानदार होने के जो बैंड बजाए थे, एक ही रात में उसका तहमंदरण हो चुका है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि करप्शन पर जारी इंडेक्स में पाकिस्तान की पदोन्नति होने के बाद अब इमरान की मुश्किल बढ़ सकती है। खास तौर से विपक्ष उन पर पहले से ज्यादा हमलावर हो सकता है, क्योंकि पिछले 15 महीनों में इमरान ने जिस तरह अंदाज में विपक्ष को जेलों में पहुंचाया है, अदालत में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद सभी नेता आज जेलों से बाहर हैं, जबकि इमरान खान करप्शन के नाम पर चीख चीख कर पाकिस्तानी आवाम का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाते रहे हैं। सवाल यह भी है कि इमरान खान अपनी सत्ता बचाने के लिए अब कौन सा नया जुमला तैयार करेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।